कुछ दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट्स जारी किए थे, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। इस पूरे रिजल्ट में ही कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट्स रहे। आरोप है कि इनमें से 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास थे। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में ये गड़बड़ी सामने आई है। इसको लेकर कई राज्यों में यूथ कांग्रेस और NSUI ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने छात्रों के साथ अन्याय किया है, जो घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि नीट के मामले में 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, जिसके बाद नंबर वन रैंक 67 स्टूडेंट्स का आया है। सभी के मन में शंका है कि इतने लोगों का कैसे रैंक वन आ सकता है। उन्होंने कहा कि एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट्स उनके सीरियल आगे पीछे हैं, ये कैसे संभव है। 6 जून 2024 को यानी 3 दिन पहले हमने 7 बिंदु उठाए, जिससे ये साबित होता था कि नीट एग्जाम में भारी गड़बड़ झाला है, विवाद है, शंकाएं हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा, शिक्षाविदों ने कहा, विपक्ष ने कहा, पूरे देश ने कहा, पर नीट एग्जाम की गड़बड़ झाले को लेकर ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और ना मोदी सरकार के शिक्षा विभाग के कान पर जू तक रेंगी। अब 8 जून 2024 यानी कल NTA के महानिदेशक ने ये कह दिया कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनकी एक कमेटी समीक्षा करेगी। लीपा पोती का ये खेल नीट एग्जाम को लेकर कब तक चलेगा? कब तक NTA और मोदी सरकार जवाब नहीं देगी? कब तक अनियमितताओं की जांच नहीं होगी? कब तक पूरे तथ्य 24 लाख बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षाविदों के सामने नहीं रखे जाएंगे? सवाल सीधा ये है। कुछ सीधे सवाल बनते हैं जिसका जवाब आज भी NTA और शिक्षा मंत्रालय नहीं दे रहा। पहला सवाल, 67 नीट टॉपर कैसे हो गए, यानी 720 में से 720 नंबर उनके कैसे आए? पिछले सालों में कितने टॉपर थे ये देखिए। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर, 2021 में 3 टॉपर, 2022 में एक टॉपर, 2023 में 2 टॉपर और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव भी है और अचंभा भी। इसका जवाब मोदी सरकार और NTA क्यों नहीं दे रही? उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और उनके माता पिता ने भी मेहनत की है, लेकिन फायदा इनके ही कुछ लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि ये नया नहीं है, ये पेपर लीक सरकार है। गुजरात में पेपर लीक हुआ था, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ, हरियाणा में तो कितनी बार पेपर लीक हुआ है वो तो भगवान ही जाने। आपको बता दें कि नीट की इस परीक्षा को लेकर एक्स पर हंगामा देखा जा रहा है और इसका विरोध स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।